किसने स्टूडेंट्स, तो अभी इस वीडियो में हम लोग टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स कैलकुलेट टू ब्लॉक्स प्रॉब्लम के बारे में सीखेंगे कि टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होती हैं। तो पहले इस जगह पे मैंने आपको बस स्टेप्स बताए हुए हैं कि कभी भी एक टू ब्लॉक प्रॉब्लम आ जाए तो उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। टू ब्लॉक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल से स्टेप्स रहते हैं, ध्यान से समझेंगे हम लोग और उसके साइड में इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व भी करते रहेंगे। जैसे कि देखो, सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप वन, मेक फोर्स डायग्राम। मतलब कि अभी हम लोगों को इसका डायग्राम वो तो हमें दिखाई देने लग रहा है कि सर ये हो गया 30, कुछ और वैल्यूज भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इस जगह का नॉर्मल कितना हो जाएगा, इस जगह का नॉर्मल हो जाएगा 50 न्यूटन, और भाई इस जगह का एफ मैक्स वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.5 × 50, ये कितना आ गया 25 न्यूटन। ठीक, तो इस जगह का मैक्सिमम फ्रिक्शन आया 25 न्यूटन, इस जगह पे कोई फ्रिक्शन है नहीं। अभी उसके बाद शो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बाय एफ बिकॉज वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट नोन एज्यूम बोथ मूव टुगेदर। देखो भाई इसका मतलब क्या, सबसे पहला स्टेप ये लेते हैं बच्चों, हम दोनों को एक साथ कंबाइन एफ बी डी मान लेते हैं ऐसा। तो टोटल मास कितना हो गया 15, आगे की तरफ कितनी फोर्स लगाई इस पे 30 न्यूटन। अभी देखो जो इस जगह की जो फोर्स है, जो यहाँ का जो फ्रिक्शन है, क्या वो उसको हमें एफ बी डी में दिखाने की जरूरत है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये इंटरनल फोर्स हो जाएगी, हमने पूरे को एक सिस्टम माना है तो इंटरनल फोर्स को हम एफ बी डी में नहीं दिखाएंगे पूरे सिस्टम के पे। दूसरी बात कि हम इनको एक साथ चलता हुआ मान रहे हैं। ठीक, अगर यहाँ पे कोई फ्रिक्शन होता जो ग्राउंड के कारण पीछे की तरफ लगता तो हमें उस फ्रिक्शन को इस एफ बी डी में दिखाना पड़ता। क्यों, क्योंकि ग्राउंड के कारण लगी हुई फोर्स एक एक्शनल फोर्स मानी जाती है। तो हमने कहा कि आगे की तरफ 30 हो गया, उसके अलावा पीछे की तरफ ग्राउंड पे तो कोई फ्रिक्शन है नहीं। तो हमने क्या कहा, यहाँ से एक्सलरेशन कैलकुलेट किया, तो एक्सलरेशन आ गया 30/15, ये आ गया 2 m/s². तो सबसे पहले स्टेप हमने क्या किया, फोर्सेस जो जो है उसके ऊपर वो दिखा दो। फिर अगला स्टेप अपना क्या रहता है, अगला स्टेप है कि भाई उनके ना एक साथ उनको चलता हुआ मान लो, फिर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो। हाँ, अभी इसके बाद समझना भी ध्यान से, इसके बाद अगला स्टेप रहता है बच्चों, जैसे हम लोगों ने एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के जस्ट बाद आपको क्या करना है, इंडिविजुअल ब्लॉक एफ बी डी बनाओ, इनमें से किसी एक का भी बना सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि मैंने किसी का बना दिया, 5 का बना दिया मैंने, 5 का एफ बी डी बनाया, तो इस पे क्या क्या फोर्स लगेगी, आगे की तरफ 30 न्यूटन और पीछे की तरफ क्या लगेगा, फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन किस सरफेस का है, ये फ्रिक्शन है इस 5 kg और 10 kg के बीच के सरफेस का फ्रिक्शन। ठीक है, अभी हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे आगे की तरफ 30 लगा, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगा, और हमने थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे इस पूरे सिस्टम का एक्सलरेशन कैलकुलेट किया था, कितना आया था वो 2। तो हमने कह दिया कि आगे की तरफ क्या मान लो, एक्सलरेशन मान लो 2। ठीक, तो इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, 30 - f = 5 × 2, तो f की यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी शायद 20 न्यूटन। ठीक, जैसे अब ये f की वैल्यू आई हमारे पास 20 न्यूटन, तो अभी देखो हम लोगों ने इन दोनों को कैसे माना था, एक साथ चलते हुए, एक साथ चलते हुए माना था। इसका मतलब कि दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, अगर कोई रिलेटिव मोशन नहीं है मींस यहाँ पे लगने वाला फ्रिक्शन कैसा है, इस सरफेस पे लगने वाला फ्रिक्शन कैसा है, स्टैटिक की काइनेटिक, स्टैटिक। क्यों, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में ही कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है। अभी हम कहेंगे कि सर स्टैटिक फ्रिक्शन तो वेरिएबल रहता है, स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल रहता है, तब क्या कहोगे कि वेरिएबल फ्रिक्शन रहता है लेकिन उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू रहती है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू अभी हम लोग कैलकुलेट करके थे कितनी, 25 न्यूटन। तो मींस हमने कहा कि स्टैटिक फ्रिक्शन 25 न्यूटन मैक्सिमम वैल्यू रखता है, मींस इससे कम फ्रिक्शन होना अलाउड है लेकिन इससे अगर ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत है। हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट जो वैल्यू की थी फ्रिक्शन की वो कितनी आई, 20 न्यूटन। मींस 20 न्यूटन इज लेस देन एफ मैक्स, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये वैल्यू एक्सेप्ट की जा सकती है। अगर ये वैल्यू एक्सेप्ट की जा सकती है इसका मतलब कि जो हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेशन की है वो बिल्कुल सही है। अगर ऊपर की गई कैलकुलेशन बिल्कुल सही है तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि इसको पूरे को एक साथ सिस्टम मान के एक्सेलरेशन निकाल सकते हो और दोनों का जो एक्सेलरेशन आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, अभी इससे अगला क्वेश्चन ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसके अंदर रिजल्ट्स में चेंजेस आएंगे।
ध्यान से देखना भाई इसको। यहाँ पे इससे अगले क्वेश्चन में डिट्टो सेम डाटा ले लेते हैं हम लोग, कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं। इस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हटाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और यहाँ का सेम जो म्यू था, जो पिछले क्वेश्चन में था 0.5, वो का वो म्यू ले लिया। अभी इसमें भी वो के वो स्टेप्स करेंगे। स्टेप 1 सिंपल सा क्या करेंगे, स्टेप 1 करेंगे हम लोग, पहले दोनों को क्या मान लो, एक सिस्टम, दोनों को सिस्टम माना तो टोटल मास कितना हो गया 15, आगे की तरफ कितनी फोर्स होगी 60 न्यूटन। तो यहां से एक्सेलरेशन कितना आया, 60/15 कितना आ गया भाई, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया। तो ये आ गया पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन। अभी इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को लेके हम लोगों को इनके बीच का फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर वो फ्रिक्शन यहाँ के मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे, जो हमने कैलकुलेशन की है वो बिल्कुल सही है। अगर वो फ्रिक्शन यहाँ के मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज़्यादा आ जाएगा तो इसका मतलब कि जो हम लोगों ने कैलकुलेशन की है वो गलत हो जाएगी, ठीक है भाई। तो हम लोग उसके बाद देखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको। देखो तो फिर हमने 5 का FBD बनाया, 5 का FBD बनाया तो आगे की तरफ कितनी फोर्स लगी, 60 न्यूटन, पीछे की तरफ क्या लगेगा, फ्रिक्शन। और इसका एक्सेलरेशन कितना है, ए का वैल्यू है 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा 60 - F = 5 × 4। तो हम यहाँ पे एफ की वैल्यू देखेंगे तो एफ की वैल्यू आ गई 40 न्यूटन। एफ की वैल्यू आई 40 न्यूटन, लेकिन इस जगह का तो एफ मैक्स कितना हो सकता है, म्यू इंटू एन, म्यू हो गया 0.5 × n हो गया 50, ये कितना है 25। लेकिन हमारे यहाँ पे एफ का वैल्यू कितना है 40, मीन्स एफ इज ग्रेटर देन एफ मैक्स, इट इम्प्लाइज रॉन्ग, हम लोगों ने जो कैलकुलेशन की है वो गलत है। हम लोगों का जो अजम्पशन है कि इस सरफेस पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगने लग रहा है वो गलत है। क्यों गलत है वो, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होता तो इनकी जो वैल्यू आती है एफ की वो 25 न्यूटन से कम आती। लेकिन अभी तो यहाँ पे जो एफ की रिक्वायर्ड वैल्यू आई है वो आई है 40 न्यूटन, जो प्रोवाइड नहीं हो सकता है। इट मीन्स यहाँ का फ्रिक्शन स्टैटिक नहीं, कैसा है, काइनेटिक है। अभी काइनेटिक फ्रिक्शन आते ही बहुत अच्छी बात हो जाती है। काइनेटिक फ्रिक्शन आते ही क्या अच्छी बात है, काइनेटिक फ्रिक्शन की अच्छी बात ये है कि काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो कॉन्स्टेंट रहती है, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन की सबसे अच्छी बात यही है कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कॉन्स्टेंट रहती है, म्यू इंटू एन, जैसे कि इस क्वेश्चन को अभी हम लोग करने लग रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि सर अभी काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन का एक और मतलब है कि बोथ ब्लॉक्स विल मूव सेपरेटली। क्यों दे विल मूव सेपरेटली, क्यों, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जब अगर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो रिलेटिव मोशन होने लग रहा होगा, रिलेटिव मोशन हो रहा होगा तो इसका मतलब कि यहाँ पे स्लिपिंग होने लग रही है, तो ये दोनों ब्लॉक्स अलग अलग मूव करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक FBD बनाया 5, आगे की तरफ कितना 60, पीछे की तरफ म्यू इंटू एन, जो कितना है हमारे पास अभी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 25। अभी इस 10 kg पे एक्शन रिएक्शन पे इस पे कैसे लगा, आगे की तरफ, ये कितना लगा 25। तो ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है, 60 - 25/5, ये आ जाएगा शायद 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसमें कितना आ जाएगा, 25/10, ये आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब कि जो हम लोगों ने अभी जो अजम्पशन लिया है वो बिल्कुल सही है। दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात इनके दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होने लग रहा होगा, ठीक है। तो इस अगली वीडियो में हम लोग अभी और देखेंगे इस 2 ब्लॉक प्रॉब्लम के ऊपर और प्रॉब्लम्स, तो आप अगली वीडियो पक्का देखें। ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा।